दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को मेरे ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलना चाहती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे ड्रेसिंग टेबल के अंदर क्या क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो पिक्चर में, इसमें दो सेक्शन है। वन जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है और एक है बिग मिरर। और नीचे ऐसे तीन सेक्शन है, एक ड्रॉयर वाला सेक्शन, एक बॉक्स और ये ग्लास वाला सेक्शन। तो आइए पहले हम ये छोटा सेक्शन से शुरू करते हैं। तो इसे ओपन करते ही इसमें फोर डिवाइडर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेक्शन में मेरे सारे परफ्यूम रखे हुए हैं। ये सारे डेली यूज होने वाले परफ्यूम है, जैसे ऑफिस के टाइम पटापट यूज करके फिर हम बाहर चले जाते हैं, ऐसे इसीलिए मैंने इसको ऊपर रखा है ताकि इजी टू एक्सेस हो। मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा परफ्यूम कलेक्शन है, अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हैं ये सारे प्रोडक्ट, जैसे ये है ओरिफ्लेम का जेंटल 3-in-1 क्लींजर, फिर है ओरिफ्लेम एसेंशियल्स फेयरनेस बॉडी लोशन, फिर है लोटस का सनस्क्रीन, फिर है लोटस का वेसिल्टोन टोनर, फिर है बायोटिक का डेंडलियन फेस सीरम। इन सब का आप प्रोडक्ट रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट है मेरे बायोटिक के नाइट क्रीम, बायोटिक विद जर्म नाइट क्रीम। नेक्स्ट है गुड वाइफ्स का वाटरमेलन जेल क्रीम। ये है एयरबड्स के कंटेनर। फिर है वादी हर्बल का लिप बाम। फिर एक ऐसे जार के बॉक्स में मैंने सारे कॉटन बॉल स्टोर किए हैं। नेक्स्ट ये वाला बॉक्स आप देख सकते हैं, इसमें मैंने टेलकम पाउडर स्टोर किया है, ऐसे नॉर्मल टेलकम पाउडर। नेक्स्ट एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, जिसमें मैंने सारे हस्बैंड्स के स्पेक्स रखे हुए हैं ताकि वो देख पाए कौन सा यूज करेंगे और उसे यूज कर पाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड सेक्शन में है हस्बैंड का हेयर क्रीम, टूथॉल, फिर डेटॉल, एक और डेटॉल की बॉटल। फिर है इस फर्स्ट के वॉच बॉक्स में मैंने सारे वॉच रखे हैं ताकि वो इजी टू एक्सेस हो, आसानी से उसे यूज कर पाए। फिर है मेरे हस्बैंड का मॉइस्चराइजिंग क्रीम, लैक्मे एब्सोल्यूट से है ये, और ये है निविया का क्रीम, इसका रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। फिर ये है फेस मास्क गुड वाइब्स का, इसका भी रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। और ये है मेरे सिंदूर का डिब्बा। आइए फोर्थ सेक्शन में चलते हैं। फोर्थ सेक्शन में मैंने ऐसे रैंडम सी चीज़ें रखी हैं, जैसे हेयर बैंड, वाइटनर, फिर ये हेयर क्लिप्स, फिर मेरे सिंदूर, ऐसे रैंडम सी चीज़ें रखे हुए हैं। फिर यहाँ पे सारे पेन रखे हुए हैं ताकि इजी टू एक्सेस हो। और इसमें सारे रैंडम चीज़, जैसे ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स है ताकि आसानी से हमें चीज़ें मिल जाए। ये मेरा कोम है, फिर जैसे डेंड्राइट है, कोलगेट है, ट्रेवल साइज कोलगेट, फिर DFO जेल, फिर बोरोप्लस, ऐसे रैंडम से चीज़ें हैं। तो ये था पूरा फोर्थ सेक्शन। अभी आइए मिरर वाला सेक्शन खोलते हैं। मिरर वाले सेक्शन खोलते ही आपका पूरा पहले मैं व्यू दिखा देती हूँ। इसमें थ्री सेक्शन है दोस्तों, 1, 2 एंड 3। और इसे डोर में हमने ऑर्गेनाइजर कुछ लगाया है,
ताकि चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें हैंग कर सके हम। आइए पहले सेक्शन में चलते हैं। पहले सेक्शन में फर्स्ट है एक वॉच बॉक्स जिसमें मेरे वॉच थे, उसको मैंने वॉच अभी हम इधर रखा हुआ है, यूज़ करते हैं। और इसमें मैंने फॉल्स आईलैशेस रखे हैं, ये है लैक्मे का शार्पनर, फिर ये आमंड ऑयल है बजाज का, फिर ये लैक्मे नेल पेंट रिमूवर है, ये बायोटिक का बायो कुकुम्बर टोनर है, इसका भी रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। ये मैट्रिक्स बायोलेज हेयर सीरम है, इसका इंडिविजुअल रिव्यू भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। फिर है लैक्मे क्लिनजिंग मिल्क, जीवा फेशियल टोनर, रोज़ वाला है, ये बेहतरीन फेस टोनर है दोस्तों, ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और ये मेड इन इंडिया है तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है ये लैक्मे एब्सोल्यूट वाइट इंटेंस स्किन कवर SPF 25 फाउंडेशन, इसका भी आप इंडिविजुअल रिव्यू मेरे चैनल पर देख सकते हो। नेक्स्ट है ये ब्लू हेवन का आर्टिस्टो जेल आईलाइनर, फिर ये है बायोटिक का लिप बाम, फिर निविया का लिप बाम, फिर हिमालय का लिप बाम, और ये है ओरिफ्लेम का लिप बाम। ये सारे लिप बाम के रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, तो प्लीज़ चेक कीजिए मेरे चैनल को। फिर यहाँ पे है मेरे वॉच, और मैंने कुछ छोटे छोटे क्लिप्स हेयर क्लिप्स इसमें रखे हैं, और ये है मेरा पूरा नेल पेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हो कि इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ये है मेबेलिन न्यूयॉर्क के कॉम्पैक्ट पाउडर, मेरा शेड है इसमें दोस्तों मार्बल, इसका भी इंडिविजुअल रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। नेक्स्ट है ये इयररिंग्स का डब्बा, इसमें सारे एवरीडे यूज होने वाले छोटे छोटे इयररिंग्स है। मेरे इयररिंग्स कलेक्शन के वीडियो में आप ये देख सकते हैं ये सब। फिर है लैक्मे का रोज पाउडर विद सनस्क्रीन, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है हिप हॉप चारकोल नोज स्ट्रिप्स, एक ही बचा हुआ है, बाकी सब मैंने यूज कर लिया है। अभी चलिए चलते हैं सेकंड सेक्शन में, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले ही है मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जैसे ये लैक्मे स्किन ग्लॉस मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, फिर ओरिफ्लेम का मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, फिर ये एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई है दोस्तों, खास नहीं है इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये है मेरा बिंदी सेक्शन, ये छोटा छोटा दो बॉक्स है इसमें बिंदी है। फिर नेक्स्ट ये मेरे सारे बिंदी, फिर नेक्स्ट लैक्मे एब्सोल्यूट का आई शेडो पैलेट, इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको, ये है आई शेडो पैलेट। फिर फेसेस कनाडा अल्टिम प्रो फेस पैलेट है ये 3-in-1, इसमें आपको कंटूर ब्लश और हाइलाइटर एक साथ में मिल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैंडी और अच्छे प्रोडक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट ये डब्बा है, इसमें मैंने सारे छोटे छोटे इयररिंग्स रखे हैं, खोल के दिखाती हूँ आपको, ये है सारे मेरे इयररिंग्स। मेरे इयररिंग्स कलेक्शन वाले वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पीछे एक कोम रखा हुआ है, एक्स्ट्रा कोम। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये है बटरली का ऑलिव ऑयल, फिर है निविया का सनस्क्रीन, एक और वॉच है और दो छोटे छोटे क्लिप्स हेयर क्लिप्स, फिर है बायोटिक का बायो ब्रिंगराज थेरापेटिक ऑयल, इसका भी रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। फिर है बायोटिक का बायो पपाया स्क्रब, फिर है लोटस का सेफ सन बॉडी लोशन, फिर पॉन्स टेल्कम पाउडर, लैक्मे फ्रेश एंड ग्लो फेस वॉश, फिर है पतंजलि का एलोवेरा जेल, फिर है गार्नियर माइसेलर वाटर जो कि अभी ख़त्म होने वाले हैं।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। इसमें रखे हैं मैंने कॉटन बॉल्स, कॉटन पैड्स, फिर मेरे कुछ और छोटे छोटे इयर रिंग्स, फिर इसमें है मेरे हेयर क्लिप्स कुछ, इसमें है ओरिफ्लेम का बॉडी क्रीम जिसका रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, फिर ये छोटे छोटे बॉक्स में है मेरे इयर रिंग्स, फिर इसमें रखे हैं मैंने गुड वाइफ्स के शीट मार्क्स, फिर ये दो कप में मैंने एक में सारे मैंने आई पेंसिल्स रखे हैं, ये है NYBA का वाइट आई पेंसिल काजल, फिर ये है लोटस का काजल, है ओरिफ्लेम का और एक मस्कारा, फिर काजल ये ओरिफ्लेम का ब्लू काजल, तो इसमें सारे मैंने आई प्रोडक्ट्स रखे हैं, आईलाइनर भी है, और ये आप जो ग्रीन कलर देख रहे हो ये मेहंदी है दोस्तों। फिर मैंने इस कप में रखे हैं सारे लिपस्टिक्स, जैसे ये मेवलिन के लिपस्टिक्स हैं, ये कलरबर का लिपस्टिक्स हैं, फिर ये है लक्ष्मी का लिपस्टिक्स। आप मेरे सारे लिपस्टिक्स कलेक्शन मेरे चैनल पर देख सकते हो, मैं पहले ही क्या है, फिर इसमें नहीं आ रहा था इसीलिए मैंने ये चार इधर ही रख दिया। फिर नेक्स्ट और है एक कॉटन के पैकेट, फिर ये एक मिरर है ट्रेवल फ्रेंडली, आप ट्रेवलिंग के टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ये है मेरा ग्लैम 21 का आई शेडो पैलेट, ये रेडमी कॉम्पैक्ट का डब्बा है लेकिन इसमें अभी नहीं है, वो मैंने यूज़ कर लिया है ऑलरेडी। फिर ये है कार्ड होल्डर है, इसमें आप जो काला पाउच देख रहे हो ये मेरे सारे मेकअप ब्रशेस है, अगर आप इसका मेरा मेकअप ब्रश कलेक्शन देखना चाहते हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। फिर ये गुड वाइब्स के तीन छोटे छोटे बनाना शैम्पू है जो कि पर्पल से मैंने ऑर्डर किया था गुड वाइब्स के प्रोडक्ट, इसीलिए मुझे ये तीनों फ्री में मिले हैं, ट्रेवल साइज है, ईच 10 ml करके हैं। फिर इसमें है कुछ सनग्लासेस, फिर मेरे चूड़िया, ब्यूटी ब्लेंडर, तो यही था मेरा थर्ड सेक्शन। तो आप देख सकते हैं फिर ऐसे डोर में हमने कुछ ऑर्गेनाइजर लगाया है, ये एक छोटा सा मिरर है, फिर इसमें मैंने बैंगल्स रखे हैं, कुछ इयर रिंग्स, एक की रिंग, एक नेक पीसेस, ऐसा कुछ रखा है। फिर इसमें हमने कुछ DIY किया है दोस्तों, ये मैंने खुद से बनाया है, इसमें सारे पॉकेट्स बना हुआ है, जैसे कि 1, 2, 3 ऐसे करके 1, 2, 3 टोटल इसमें 9 है, और पीछे भी इसके पॉकेट्स है जैसे कि आप देख सकते हो, इसको मैंने DIY किया है। तो इसमें सारे मैंने छोटे छोटे चीज़ें रखती हूँ मैं, जैसे कि बिंदिया, फिर नेकलेस, इयर रिंग्स, फिर कुछ सेफ्टी पिन्स, फिर कुछ बैंगल्स, एक छोटा सा डिबिया, फिर इसमें मेरे और कुछ नेकलेसेस हैं। पहले मैं इस नेक पीस को इधर ही हैंग करती थी लेकिन मैंने देखा कि इधर हैंग करने से उसका कलर थोड़ा ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने ये DIY किया है। फिर इसमें और मेरे नेक पीसेस है, देख सकते हैं आप, इसको मैंने इधर रख दिया है। तो यही था मेरा ड्रेसिंग टेबल का पूरा व्यू, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ये पूरा ड्रेसिंग टेबल का व्यू दोस्तों। अभी चलिए नीचे वाला सेक्शन देख लेते हैं, अभी ये वाला सेक्शन मैं आज आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसमें मैंने मेरे सारे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मैं रखती हूँ, तो अगर इसको मैं अभी दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं नेक्स्ट कोई वीडियो में आपको दिखाऊंगी, अगर आप देखना चाहते हो तो।
आज मैं ये छोटे वाला बॉक्स और ये ग्लास वाला सेक्शन आप लोगों को दिखाती हूँ। आइए चलते हैं, नीचे वाला सेक्शन देख लेते हैं। पहले बैठ जाते हैं दोस्तों। चलिए, ये है छोटा वाला ड्रॉयर। जैसे खोलते ही आपको काफी सारे चीजें देखने को मिलेगा। ये एक छोटा सा मतलब कंटेनर है जिसमें सारे मेरे छोटे छोटे ज्वेलरीज मैं रखती हूँ। और ये है एक कॉम जो कि मेरे हस्बैंड का है। फिर ये है एक डिब्बा, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। इसमें मैंने सारे रखे हैं एयरबड्स। फिर ये एक छोटा सा डिब्बा है, इसमें मैंने सारे ईयर रिंग्स रखे हैं एवरीडे के लिए। फिर ये है डाबर गुलाबरी की क्रीम जिसको मैं एज ए फूड क्रीम यूज़ करती हूँ। फिर ये है मेंथो प्लस का डिब्बा। फिर ये है बोरोलिन। फिर इसमें कुछ रैंडम सी चीज़ें हैं जैसे एक और कॉम, फिर कुछ वायर्स, कारगिज, वैसलिन, एक छोटा सा मेडिमिक्स का सोप, फिर एक पेन, ऐसे रैंडम से चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट है ये ग्लास वाला सेक्शन। आइए इसे पहले खोलते हैं। इसमें भी सारे काफ़ी सारे चीज़ें रखे हुए हैं। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये मेरे सारे हेयर क्लिप्स जो कि रोज वाला है, रोज लगा हुआ है इस क्लिप में। फिर है एक और डब्बा जिसके अंदर मैंने रखे हैं मेरे कॉटन पैड्स, एक्स्ट्रा कॉटन पैड्स। दोस्तों आप इसमें भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें मैंने रखे है एक हेयर कॉम। फिर इसमें मैंने सारे मेरे सिंदूर के डिब्बे, पैकेट्स, ये सब रखे हैं। चलिए अभी नेक्स्ट ये बंद कर देते हैं और इसको खोलते हैं। इसको खोलते ही काफ़ी सारे चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे कि ये मेरा पहला सैनिटरी पैड्स। फिर ये है कलर वर का मेकअप रिमूवल वाइप्स। नेक्स्ट है ऐसे फर्स्ट एक्स का कुछ खाली डिब्बा। मैंने काफ़ी सारे अनयूज डिब्बे को यूज़ में लाया है। मेरे सारे हेयर क्लिप्स ये सारे रखे हुए हैं। इस वाले फर्स्ट एक्स के बॉक्स में और काफ़ी सारे हेयर क्लिप्स हैं। फिर इसमें है कुछ रैंडम से चीज़ें जैसे क्लिप्स, हेयर बैंड्स, ऐसा कुछ चीज़ें रखे हुए हैं इसमें। फिर इसमें है मेरा आर्टिफिशियल जुगा, इसको आप डिटेल्स में देखना चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो दोस्तों। इसको काफ़ी अच्छे से पैक किया हुआ है, अभी मैं खोल के इसको नहीं दिखा सकती। अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ बोलिएगा, मैं दिखा दूँ। फिर नेक्स्ट है एक और, इसमें क्या है, और इसके ऊपर एक और बैग है जो कि ट्रैवलिंग के टाइम काम में आता है, इसलिए मैंने इसको यही रख दिया है। नेक्स्ट है ये एक पेन का बॉक्स जिसमें मैंने सारे इयर रिंग्स रखे हैं। मेरे इयर रिंग्स कलेक्शन वीडियो में आप इसे देख सकते हो जो कि मेरे चैनल पर है। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ये है दो प्लास्टिक के बॉक्स, आइए देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। इसमें सारे मेरे जूड़ा, फिर क्लिप्स, हेयर रिलेटेड एसेसरीज है दोस्तों। फिर है मेरे पास एक और बॉक्स जिसमें मैंने सारे ज्वेलरी रखी है। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। फिर ये है एक काला बॉक्स, इसको मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी,
ये आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि इसमें जो चीज़ है आपको ज़रूर पसंद आएगा, बहुत ही ख़ास चीज़ है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं अपने हेयर क्लिप्स को ऐसे बॉक्स में रखा है ताकि वो ख़राब ना हो, अच्छी तरह से रह पाए। तो दोस्तों, ये था मेरा पूरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप ये आपको अच्छा लगा है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आप कुछ और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।